हाँ जी दोस्तों, कैसे हैं आप सब? दोस्तों कल मैंने एक इमेज शेयर की थी आपके साथ अपना रॉयल इनफील्ड मेटियोर की, और यार इंस्टाग्राम में शेयर की थी। इंस्टाग्राम में मुझे कुछ लोगों ने कहा यार ये इमेज रियल है या फेक है, तो यार 100% ये रियल इमेज है। और कई लोगों को अगर पता नहीं है कि मेरे पास इंस्टाग्राम आईडी भी है, तो उनको बता दूं कि इंस्टाग्राम आईडी पे आप डिस्क्रिप्शन में जाके इंस्टाग्राम आईडी पे मुझे फॉलो कर सकते हैं, और वहाँ पे भी मैं काफ़ी ज़्यादा अपडेट्स देता रहता हूँ, तो यार मुझे फॉलो कर लीजिए, आप ही का फायदा है। उसके अलावा दोस्तों मैं बात करें तो मैंने इमेज तो आपको दिखाई दी है, उसके अलावा इंजन के बारे में भी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मेरे पास आई है, तो वो चीज़ें भी आपके साथ मैं आज शेयर करने वाला हूँ। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है हेमंत भट्ट और आप देख रहे हैं मोटो दोस्त। तो दोस्तों रॉयल इनफील्ड मेटियोर 350 है जो वो आपको नेक्स्ट मंथ मार्केट में 100% मिल जाएगी। नेक्स्ट मंथ के सेकंड वीक में आपको इजीली मार्केट में मिल जाएगी, तो अगर आप लेने वाले हैं तो थोड़ा टाइम रुक जाइए। और उसके अलावा मैं आपके साथ एक वीडियो और शेयर करने वाला हूं, उसमें आपको मैंने बताने वाला हूं कि भैया जो GST है 28% से 18% होने वाला है, तो और पैसे आपके बचने वाले हैं, तो थोड़ा टाइम और वेट जरूर कर लीजिए। तो दोस्तों ये जो इन्फॉर्मेशन है जो अभी आपको मैं देने वाला हूं, ये मुझे एक मैकेनिक से मिली है। ऑब्वियसली बात है ये बाइक अगर नेक्स्ट मंथ आने वाली है और बिल्कुल न्यू इंजन है, तो ऑब्वियसली बात है इसकी ट्रेनिंग भी लगना शुरू हो चुकी होंगी। जो कई पर्सन इसकी जो ट्रेनिंग लगी है, जिन मैकेनिक्स की ट्रेनिंग लगी है, उन्होंने मेरे साथ कुछ इंफॉर्मेशन शेयर करी है, जो इंफॉर्मेशन मैं आज आपके साथ शेयर करने वाला हूं। तो दोस्तों बात करें इंजन की, तो दोस्तों इसमें आपको 350cc का UCE एयर कूल्ड सिंगल सिलेंडर इंजन मिलेगा, जो आपका 5 गियर बॉक्स के साथ आपका रहेगा। तो दोस्तों इसमें आपका जो इंजन है वो UCE ही रहने वाला है, लेकिन फ़र्क इस बात का है कि जहाँ पे आपका पुश रॉड्स होते थे उसके बदले अब आपको ओवरहेड कैमशाफ्ट मिलेगा, यानी OFC मिलेगा, जिससे ये होगा दोस्तों जब आप ये बाइक चलाएंगे तो आपको वाइब्रेशन कम फील होगी। इवन जिस पर्सन ने मेरे से ये बातें शेयर करी उन्होंने मुझे ये भी बताया है कि जब इस बाइक को हम चला रहे थे तो हमें आपकी क्लासिक हो गया, थंडरबर्ड हो गया या आपका बुलेट हो गया, उसके मुकाबले काफ़ी कम वाइब्रेशन फील हो रही थी। हैंडल बार में तो काफ़ी कम वाइब्रेशन थी, यानी जो मिरर हिलता रहता है जब बाइक चलाते हैं, आप अगर एक हाथ छोड़ देते हैं तो आपको एक मिरर हिलता हुआ दिखाई देगा, आप अपनी इमेज भी ढंग से नहीं देख पाते अगर आप एक हाथ छोड़ देते हैं, लेकिन ईजिली उसमें आप अपनी फेस देख पा रहे थे बाइक चलाते हुए। तो यार बहुत अच्छी बात है कि अगर इसमें वाइब्रेशन काफ़ी कम हो गई है। दोस्तों वाइब्रेशन कम होगी, इंजन स्मूथ हो गया, लेकिन 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 क्या इसमें दुख दुख का साउंड है? आपके माइंड में ये चीज़ें चल रही होंगी, तो 100% दोस्तों इसमें दुख दुख का साउंड है, वैसा ही दुख दुख का साउंड है जैसा आपको क्लासिक और बुलेट में मिलता है, लगभग वैसा ही साउंड है, लेकिन आपको आफ्टर मार्केट से साइलेंसर चेंज करना ही पड़ेगा, जैसे आप बुलेट में या क्लासिक में करते हैं। अगर आपको ज़्यादा साउंड चाहिए तो आप आफ्टर मार्केट साइलेंसर लगाते हैं, वैसे ही इसमें भी आपको आफ्टर मार्केट साइलेंसर लगाने पड़ेंगे, क्योंकि जो अपना साइलेंसर है उससे आपको स्टॉक आवाज़ ही मिलेगी, तो ज़्यादा आवाज़ नहीं है, लेकिन साइलेंसर चेंज करके आपको दुख दुख की जो बीट है वो आपको 100% मिल जाएगी। दोस्तों उसके अलावा बात करें पावर फिगर की, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि मैकेनिक्स की ट्रेनिंग हुई, उनको इंजन के बारे में काफ़ी कुछ बताया गया, लेकिन कई चीज़ें छुपा दी गई, यानी कई चीज़ें उन्होंने उस समय डिस्क्लोज नहीं करी। आफ्टर मार्केट जब ये बाइक लॉन्च होगी तब शायद कंपनी इसको डिस्क्लोज करेगी, तो दैट्स व्हाई उनको नहीं बताया कि इसकी पावर फिगर क्या है, और दूसरी चीज़ की टॉप स्पीड क्या है ये भी कंपनी ने अभी तक नहीं बताया है। लेकिन जिन लोगों ने ये बाइक चलाई है, जिन मैकेनिक्स ने ये बाइक चलाई है, तो उन्होंने ये बताया कि जो इसकी पावर है लगभग आपको 20-21 BHP की पावर मिलने वाली है, और जो टॉर्क है 18-19 Nm का टॉर्क मिलने वाला अंदाजन उन्होंने बताया, क्योंकि उन्हें क्लासिक से और बुलेट से ज़्यादा पावर उसमें फील हो रही थी, तो दैट्स व्हाई उन्होंने ये चीज़ें बताई कि अंदाजन इतना होगा चलाने के हिसाब से। दोस्तों जब ये बात मुझे पता लगी तो मेरे माइंड में एक चीज़ और आई कि देखिए इंजन तो ज़्यादा स्मूथ हो चुका है, तो शायद उनको ऐसा लग रहा हो कि शायद पावर बढ़ गई है क्योंकि इंजन ज़्यादा स्मूथ है। दूसरी चीज़ वेट भी कम हो गया है। हाँ जी दोस्तों, वेट के बारे में भी कोई एग्जैक्ट आइडिया नहीं दिया गया है इनको, लेकिन उन्होंने बताया कि बाइक हैंडल करने के हिसाब से जो इसका वजन है वो बुलेट और क्लासिक से कम है, लगभग जो इसका वजन है वो 160 किलो से 170 किलो के बीच में ही, यानी ये वजन में भी कम है और इसका इंजन भी ज़्यादा स्मूथ है, वाइब्रेशन भी कम है, तो हो सकता है कि जब मैकेनिक्स ने उसको चलाया तो उनको लगा कि यार इसकी जो पावर फिगर है वो 21 BHP तक भी है, हो सकता है मार्केट में आने के बाद हमें पता लगे कि इसकी 19 BHP की पावर है। तो ये पावर के बारे में कह पाना थोड़ा सा बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, तो मैं अभी इसके बारे में 100% श्योर नहीं हूँ, लेकिन जो चीज़ें मुझे पता लगी हैं वो चीज़ें मैं आज आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो दोस्तों आपके साथ साथ नेक्स्ट मंथ के सेकंड वीक का तो मुझे भी बहुत ज़्यादा बेसब्री से वेट रहेगा, और जो ये इमेज है मैं अगेन बता दूं 100% रियल है, तो आप भरोसा कर सकते हैं कि जो आपकी मेटियोर 350 है वो देखने में कुछ ऐसी है। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, बाकी मैं आपसे कुछ बात करना चाहता हूं कि अगर आपके माइंड में कुछ है चैनल को इम्प्रूव करने के लिए, क्योंकि ये चैनल जितना मेरा है उतना आपका भी है, अगर आप इसको और चाहते हैं कि और इम्प्रूव हो, तो अपने आइडियाज़ भी कमेंट सेक्शन में या इंस्टाग्राम में आके मेरे साथ शेयर कर सकते हैं, और मैं देखिए 100% कोशिश करूंगा कि उन आइडियाज़ को मैं फॉलो करूं। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।